वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे हैं ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज और फर्स्ट क्लास थी हमारी हाउ टू होल्ड थ्रेड, थ्रेड को हम कैसे पकड़ेंगे और कैसे चलाना सीखेंगे। और आज है सेकंड क्लास, इसकी मैं आपको बताऊंगी कि आपको थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और अब आपको अगर प्रैक्टिस करते करते आ गया है थ्रेड को होल्ड करना, तो अब आपको मैं बताती हूँ कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं। यू आर अ बिगिनर और अ एक्सपर्ट, बट आपके जब भी आप थ्रेडिंग करते हो, आपके थ्रेडिंग में कट कभी नहीं लगना चाहिए। आपने उनको ये ऐसा होल्ड करवाया और आप यहाँ से बीच में से थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने थ्रेड को लेंगे और बीच में से थ्रेड कर चलाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से थ्रेड चलाएंगे क्लाइंट के ऊपर। आपको केवल थ्योरीली समझा रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। कभी भी आपको इनर कॉर्नर यानी कि ये वाला कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे टच नहीं करना है। ये मेरी टिप है, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे कि कभी भी हम जब भी हम किसी की भी थ्रेडिंग बनाने जाएंगे तो हम इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को टच नहीं करेंगे। क्योंकि ये अगर आपने कॉर्नर अगर टच कर लिया तो उस क्लाइंट की जो आईब्रो है वो लेंथ चली जाएगी। लेंथ को कम नहीं करना है, पतला नहीं करना है, मोटा ही रखना है। ओके, केवल आपको एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने हैं ये। बट यहाँ पे कभी कभी किसी के ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप इस तरीके से आप अपनी आईब्रो को पकड़ें और नीचे से ना पकड़वाएं, केवल ऊपर से पकड़वाइए। आप ऐसे जैसे मैंने अभी पकड़ रखा है, आप फिर से समझिए। आप उनके हैंड को लीजिए और आप उनको हैंड को यहाँ से बोलिए, अगर यहाँ है ग्रोथ और फिनिशिंग देने के लिए यहाँ से लाइन हमको लानी ही पड़ती है, तो आप उनको ये बोलेंगे कि आप अपने हैंड्स को इस तरीके से होल्ड कर पकड़े खींचें ऊपर की तरफ, और आप अपना धागा तिरछे में इस तरीके से लेके जाएंगे और उसके बाद थ्रेड को से निकालेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। हम पाउडर लगा लेंगे और फोरहेड को अच्छे से पकड़वा लेंगे। इस फोरहेड में इस तरीके यहाँ के जो बाल होते हैं वो इस साइड के लिए इस साइड होते हैं और इस साइड के बाल, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना स्टार्ट करना है। ऐसे जिनको आ जाती है वो तो फटाफट फटाफट बना लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरीके से निकालने हैं। अपने मम्मा को, अपने सिस्टर को, किसी को लें और उनका फोरहेड करें। फोरहेड करने के लिए आपको अपने इनसे क्लाइंट से बोलना है कि आप इस तरीके से होल्ड करेंगे अपने बालों को और नीचे से इस तरीके से खींचेंगे। फिर से आप इसमें पाउडर के लिए भी आप सबसे पहले पाउडर लगाएंगे, उसके बाद क्लाइंट को बोलेंगे अच्छे से टाइट करने के लिए। तो आप टंग लगाइए अंदर, आप इस तरीके से ऐसे कैंची को रखेंगे और ये कैंची ऐसे चलाना स्टार्ट करेंगे। क्लोज कर लो, क्लोज कर लो ऐसे। आपने इस तरह जब इस तरफ के बन जाएंगे तो आप उस तरफ जाएंगे और फिर से आप अपोजिट इसमें बनाना स्टार्ट करें। इनको बनवाना नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को करके बता रही हूँ इस तरीके से। सबसे पहले हम आईब्रोज पर पाउडर लगाएंगे, उसके बाद हम थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप अगर बिगनर हैं तो केवल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल और बहुत ही स्लोली स्लोली आप बालों को निकालना स्टार्ट करेंगे। एक एक बालों को निकालना स्टार्ट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाल आपको निकालना है आईब्रो में से वो ही आने चाहिए कैंची के अंदर। जो आपने थ्रेड की एक कैंची बनाई है केवल वो ही आने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आईब्रो बनाते समय की स्किन बहुत लूज हो रही है, और तो आप क्लाइंट को फिर से समझा सकते हैं कि आप अच्छे से होल्ड करें अपनी आईब्रोज को
जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपन सबसे पहले सेंटर में से बालों को लेना स्टार्ट करेंगे। एक एक बालों को लो आप, क्योंकि आप बिगनर हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही सारे बालों को ले लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बाल भी आपके निकल सकते हैं। फिर आप जब बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ से एक्स्ट्रा हैं हेयर्स, और धीरे धीरे करके आप उन बालों को, ये वाली जो लेंथ होती है, इस वाली लेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, और इस तरीके। अब हम नेक्स्ट आईब्रो को बनाएंगे। फिर से हम वही करेंगे जो हमने इस आईब्रो में किया था। हम पहले ऊपर के बालों को, आईब्रो के ऊपर के बालों को निकालना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही स्लोली स्लोली। आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्लोली बनाना है, एक एक बालों को निकालना है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने मम्मी, अपनी सिस्टर, अपने कोई भी हैं, और इवन आप अपने भैया लोगों के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लड़के लोग भी कराते हैं। इस तरीके से मेन है कि जो आपको हेयर निकालना है वो आपकी जो बनाई, ये जो आपने नॉट बना रखी है, यानी कि ये जो नॉट बना रखी है, इसमें बाल आने चाहिए। अब हम नीचे के बालों को लेंगे। नीचे के बालों में सेम हम जो आपको पहले बताया था कि आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे बनाना, आप बिगनर हैं तो, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर्स को आप जो देख रहे हैं वो आप निकालते जाएंगे। आपको सेंटर में से भी ज़्यादा बालों को नहीं निकालना है। आपको जब प्रैक्टिस करना है तो आप सबसे पहले फोरहेड पे चलाना स्टार्ट करेंगे थ्रेड, फिर अपर लिप में बनाएंगे। जब आपको अच्छे से स्किन पर चलाना आ जाए उसके बाद आप किसी की थ्रेडिंग लेंगे और स्लोली स्लोली बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।